दोस्तों आप कल्पना करें कि आप आसानी से धन, अच्छा स्वास्थ्य, नौकरी में प्रमोशन या फिर फॉरेन करेंसी कनेक्शन को आकर्षित कर सकते हो तो कैसा होगा। आज की दुनिया में अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के विचार के बारे में डाउट करना आसान है, खासकर जब बात पैसे जैसी किसी चीज़ की हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत के कुछ ऐसे सरल टेक्निक्स के जरिए आप अपने सपनों, अपनी इच्छाओं को आसानी से हासिल कर सकते हो, ये और ये आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। इसके जरिए आप अपनी इच्छाओं को बिना किसी बाधा के मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या अच्छी स्वास्थ्य मैनिफेस्ट करना हो, इन सरल टेक्निक्स को, इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके, अपनी रूटीन में शामिल करके आप अपने जीवन में अच्छे अनुसार किसी भी चीज़ को आसानी से आकर्षित कर सकते हो। बस आपको इतना सा करना है, इन सरल टेक्निक्स का उपयोग करके आप अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके उनमें से किसी भी चीज़ को आकर्षित कर सकते हो जिसे आप चाहते हो। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग ये डाउट में रहेंगे और सोच रहे होंगे कि कैसे कोई केवल एक साधारण टेक्निक का यूज़ करके, एक सिंपल टेक्निक का यूज़ करके अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर सकता है, राइट? तो उसके लिए वीडियो में बने रहे, आपको सारी डिटेल्स जानकारी मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पैसे को आकर्षित करने के लिए कोई सोच सकता है कि मैं बहुत बड़ी कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आपको कड़ी मेहनत करनी होगी तो पैसा आपके पास उतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जो वैन चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता है। वो हार्डवर्क तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसके मुताबिक उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता है। तो आपको उन तरीके से मेहनत नहीं करना होगा। पैसा हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, बट यकीन मानिए, मैं आपको ये बिलीव करा सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी पैसे की समस्या नहीं होगी। मैंने ये पर्सनली ट्राई किया है, तभी मैं ये बोल रहा हूँ, और पिछले कुछ वर्षों में मुझे जो परिणाम यानी कि मुझे जो रिज़ल्ट मिला है वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में बिलीव है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी मैं अब तरकीब कह लो या फिर टेक्निक्स कह लो, उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करो और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि ये जो टेक्निक है, और खासकर मुझे इसका जो रिज़ल्ट मिला है वो गजब का मिला है। अब उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से सुने जो मैं आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली यंत्र है। अपने इसका बेनिफिट के लिए काम करने के लिए, यानी कि इसका आसान तरीके से और इसके काम करने के लिए आपके मस्तिष्क पर महारत हासिल करना होगा। आपके ब्रेन को समझना होगा ये किस तरीके से काम करता है, इसे हम किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। और अगर आप अपने इस ब्रेन को अच्छी तरीके से नियंत्रण करना, यूज़ करना सीख लिया, तो ये आपके जीवन एकदम से चेंज कर देगा। आप जो भी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सारी की सारी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता है, बिल्कुल आपका ब्रेन। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि इसका जवाब किस तरीके से करना है। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है, हाँ वही सेम टेक्निक है, सभी लोग इसके काम करती है, लेकिन बीच बीच में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप कुछ खो रहे हो जो आपके लिए काम कर सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और टॉप फैक्टर है, सबसे मेन फैक्टर है कि इसमें फंस जाता है, इसमें लोग फंस जाता है, जिसके कारण वो जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। वो यूनिवर्स के साथ मैनिफेस्ट करने और उसके साथ जो निर्माण कार्य होता है, क्रिएट करने की जो एक चरण होता है, उसे नहीं जानते, जिसके कारण उसका जीवन में वो सब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता या फिर उसके जीवन में वो सब रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो आप अपने जीवन के जो निर्माण, जो चरण है, उसे आपको समझना होगा। आप अपने जीवन की जो इच्छा है, इच्छा के अनुसार आप आकार दे सकते हो, लेकिन जब तक आप अपनी ज़िंदगी में अपने ब्रेन को नहीं समझ पाओगे तब तक आपको इन सभी चीज़ों को बेकार से लगेगा। हाँ दोस्तों, इस समय पे जिस भी स्थिति में हो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। आपके आसपास के प्रत्येक गतिविधि
जो भी हो रहा है, जो भी हलचल हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सिर्फ मैनिफेस्ट करने का ही परिणाम है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको ऑफिस जाना होगा, आपने रात को सोचा कि मुझे सुबह इतने टाइम पर उठना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद मुझे ड्रेस करना है, खाना करना है, टिफ़िन लेना है, इस सारी की सारी जो चीज़ है वो अपने दिमाग के अंदर बैठा ही है, उसके बाद अपने नेक्स्ट डे उसी रूटीन के हिसाब से अपने चले है। तो ये मैनिफेस्ट करके ही आप अपनी जो दिनचर्या है, रूटीन है, उसे आप अपने जीवन पर इम्प्लीमेंट करते हो। लेकिन इस जगह पर देखिए, बहुत हो गया है, आज से हम उस जो रियलिटी है, जो भी हम चाहते हैं, जिसके हम इच्छा रखते हैं, ये जो वास्तविकता, जो हम सफल, खुश और प्रचुर हो, यानी कि हमारे पास एवंडेंस हो, ये एक अच्छा चीज़ में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन सारी चीज़ को पा सकते हो। तो उसके लिए वीडियो को ध्यान से देखो, हो सकता है कि आपका कुछ काम का चीज़ मिल जाए और आपका लाइफ एकदम से चेंज हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम सब का मेन प्रॉब्लम यही रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमें मैनिफेस्ट करना है, लेकिन जब हम मैनिफेस्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए बैठते हैं, जैसे कि कुछ मेडिटेशन करना हो, कुछ को एफर्मेशन को क्रिएट करना होता है, तो उस जगह पे हम ये सोच नहीं पाते कि हमें चाहिए क्या होता है। हम कॉन्फ्यूज़ में रहते हैं कि हमें चाहिए क्या होता है, जिसके कारण हमारा जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमारा जो भी मैनिफेस्ट करने का तरीका होता है, उसके जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं होते, जिसके कारण वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए इस जगह पे, इस स्थिति में जो लोग नहीं समझ पाता है कि उनके लिए कौन सी चीज़ सबसे सही है, तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है, आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, जब आप अपने सपने और इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तब आपको स्पेसिफिक होना बहुत ही ज़रूरी है, और आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। तो अपनी आँखें बंद करें, जस्ट रिलैक्स और अपने ध्यान अपने शरीर के बीच पे ले आए, जहाँ आपकी हृदय स्थित है। मैं वास्तव में कहना चाहता हूँ, मेरी आत्मा किसी की अभिलाषा करती है, यानी कि आप खुद को पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे क्या ज़रूरत है। सिर्फ यही इंसान, यही चीज़ आपको वो आंसर दे सकती कि सच में आपको क्या चीज़ चाहिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, जिसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं चाहिए, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, जो आपको डिमांड है, जो आपको चाहिए, वही चीज़ आपको मैनिफेस्ट करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम, यानी कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अपनी इच्छाओं को चुनना है। तो वास्तव में अपनी इंटेंशन के साथ संपर्क रहे, यानी कि अपना जो भी इंटेंशन है उनके साथ कनेक्टेड रहे, और विश्वास रखें कि आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। आप जब आपने ये तय कर लिया है कि आपको क्या चाहते हैं, आपका क्या डिमांड है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने लिमिटेड बिलीफ से छुटकारा पाए, और आपने मैनिफेस्टेशन का जो प्रक्रिया के बारे में आपने सोचा है कि कैसे चल रही है और आप इसे कैसे प्राप्त कर रहे हैं। जब मैं प्राप्त शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं ये कन्फ्यूज मत सोइए कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम नहीं करेंगे। मेरा मतलब यही है कि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, आप अपनी इच्छाओं को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि आपको मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के रास्ते में आने वाली जो ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जब आप स्पष्ट हो जाते हो, क्लियर हो जाते हो और अपना इंटेंशन सेट कर लेते हो, तब आप यूनिवर्स के लिए काम करने के निर्देश दे रहे होते हो, यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसे आप ये निर्देश दे रहे होते हो कि आपको क्या चाहिए, और आप तभी अपनी इच्छाओं को आकर्षित करेंगे। याद रखें, हम अपने सपनों और इच्छाओं को पीछा नहीं कर रहे, हम उन्हें आकर्षित कर रहे। और अब आपको आउटकम से अलग होना है, यानी कि परिणाम से अलग होना है। एक ही चैप्टर को बार बार ना खोले, एकमात्र चीज़ जो आप कर रहे हो वो अपना स्पष्ट इंटेंशन सेट करना और ब्रह्मांड को आपके लिए काम करने देना, अपनी इच्छाओं को आशीर्वाद के रूप में लाना। जब हम खोजते रहते और सवाल करते रहते कि हमारे सपने कब पूरे होंगे या हम कितने आगे आए हैं, तो हम अपने सपनों को तोड़ रहे होते हैं। इसीलिए परिणाम से डिटैचमेंट आवश्यक है। यदि आप किसी इच्छा को परिणाम से जुड़े रहते हैं, तो आपको एक ही परिणाम तक सीमित कर देते हैं ये सब।
तो इसके लिए अलग होना बहुत ही ज़रूरी है। अलग का मतलब है मुझे लगता है कि मैं यही चाहता हूँ, लेकिन अगर कुछ बेहतर हो तो प्लीज़ यूनिवर्स इसके बजाय उसे भेजिए। किसी काम को फल की इच्छा करने, ईश्वर की सब कुछ देने की इच्छा में विश्वास की कमी को दर्शाता है। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे आज ये चाहिए, मुझे आज एक बाइक चाहिए किसी भी कंपनी का, उसके बाद उसका कुछ अलग सा मॉडल आ चुका है तो हम उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के कारण हमारा जो यूनिवर्स के पास दो अलग अलग मैसेज जाते हैं, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी जो हम चाहते थे पहले से जो डिमांड कर रहे होते हैं वो मैनिफेस्ट करना बंद कर देता है। तो इसी के लिए डिटैचमेंट यानी कि अलग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको सिर्फ अपने यूनिवर्स पे बिलीव करना होगा और यूनिवर्स के लिए आपको काम करने दे, और ब्रह्मांड आपको उससे भी बेहतर जानता है, आपको उससे भी बेहतर जानता है। आप जितना ज़्यादा खुद को नहीं जानते, ब्रह्मांड आपको अपने आप से भी बेहतर जानता है कि आपको क्या चाहिए। आपकी इच्छा से कहीं अधिक सर्वोत्तम से बेहतर परिणाम आपके लिए लाएगी। आप बिलीव ज़रूर कीजिए। इसके लिए आप हर दिन आईने के सामने खड़े होकर अपने से रिलेटेड जो भी सेल्फ टॉक है, जो भी पॉजिटिव बात है, वो खुद से कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच होगा। जब आप पॉजिटिव से बातें करोगे, पॉजिटिव तरीके से बातें करोगे, तो पॉजिटिव जो वाइब्स है वो आपके अंदर और ज़्यादा आएगा, जिसके कारण जो पॉजिटिव चीज़ें, जो भी मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से होना स्टार्ट हो जाता है। इसके ज़रिए आप सबसे अच्छी बात ये है कि आप हमेशा प्रेजेंट में रहिए। यानी कि जो भी आप प्रेजेंट एफर्मेशन होता है, जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मैं एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ, कुछ इस तरीके से पॉजिटिव एफर्मेशन का आप क्रिएट कर सकते हो या फिर यूज़ किया कर सकते हो। इस जगह पे प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बहुत सारा पैसा दो या फिर मुझे अमीर हो जाऊंगा, इस तरीके का जो एफर्मेशन होता है, स्टॉक होता है, इससे आप एकदम से डिलीट कर दो अपने दिमाग से। क्योंकि देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर में है, वो अपना जीवन अपने लाइफ में ये सभी कमी की भावना को पैदा करते कि आपके पास यह नहीं है, तो आपको ये अफर्मेशन का यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ प्रेजेंट में रहना है कि हाँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल अमीर हूँ, मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। और जब आप ये सब बातें बोलोगे, एकदम से आपको महसूस करना है हाँ मैं एकदम से खुश हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है, कुछ इस तरीके का आपका अफर्मेशन का यूज़ करना है। और एकदम से अंदर से इमोशन आना चाहिए कि हाँ, अब बाका में एकदम से खुश हो, तभी आपका जो फ्रीक्वेंसी है, ब्रह्मांड का फ्रीक्वेंसी मैच होगा और आपके जीवन में वो सब घटना स्टार्ट हो जाएगा जिसकी आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हो, जिसकी आप एकदम से ख्वाहिश करते हो, जिसको आप मैनिफेस्ट करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है और यूनिवर्स को अपनी परफेक्ट मैनिफेस्ट करने के लिए अनुमति देते हैं और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा वही सुने जो आपका दिल कहता है। हमारा इंटेंशन ही एकमात्र तरीका है जिससे यूनिवर्स के साथ आप संचार या फिर कम्युनिकेट कर सकते हो। तो आप केवल ये मत मान लीजिए कि आप जो चाहते वो काम नहीं करेगा क्योंकि किसी और ने कहा है कि ये नहीं हो सकता। तो इस जगह पे मैं आपको सचेत कर दूँ, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन है, खुशी का एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत और बलिदान है, कि आप इसे नहीं कर सकते या आपके लिए ये बहुत ज़्यादा कठिन है। उन सीमित मान्यताओं को, जो भी आप मानते हो, जो भी आप जानते हो, उन सभी को स्वीकार करने के बजाय उनसे आप दूर हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स से बेहतर कोई भी नहीं जानता आपको, आपको कोई भी नहीं पहचानते। आपके लिए बड़ी योजनाएं तो होती है यूनिवर्स के पास, लेकिन आपकी उन सीमित योजनाएं की वजह से ब्रह्मांड आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पाते जो आपके एकदम से हकदार हो, जिसके लिए आप बने हो। लेकिन आपकी उन छोटी सोच की वजह से वो सारी चीज़ आपके पास नहीं आ पाते, ब्रह्मांड आपको नहीं दे पाते। तो इसी के लिए आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि जो अवचेतन मस्तिष्क है, उसको साफ शांत करने का आपको एक तरीका ढूंढना होगा। और उसका जो मेन चीज़ है, आपको मेडिटेशन चाहिए, पॉजिटिव टॉक्स चाहिए, उसके बाद हर रोज़ आप डेली की डेली मेडिटेशन करिए,
खुद से बातें करिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। इस तरीके से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एकदम से क्लियर होता जाएगा, पॉजिटिव चीज़ें उसके अंदर जाता जाएगा, बैठता जाएगा, और आप वो सारी चीज़, सारी खुशियाँ आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो, जिसके आप सपना देखते हो। क्योंकि दोस्तों जब आप एकदम से क्लियर हो आपको क्या चाहिए, एकदम से आप जानते हो, तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो दोनों हाथों से आपके लिए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस आपका दिमाग और आपका इंटेंशन, आपका विजन एकदम से क्लियर होना चाहिए, और आप उसको पाने के लिए कितना ज़्यादा उत्सुक हो, कितना ज़्यादा चाहते हो, कितना अंदर से चाहते हो, वही सिर्फ अपना जो ब्रह्मांड है वो देखती है। बस इतना सा काम कर लो, उसके बाद देखिए आपका जीवन किस तरीके से चेंज होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी ऐसी पर्सन की इस वीडियो की ज़रूरत हो जिसे सच में इस चीज़ का ज़रूरत हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।